160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाली वंदे भारत पर पत्थर मारकर उपद्रवियों ने 30 शीशे तोड़ डाले। ट्रेन की शुरुआत हुए 68 दिन भी नहीं हुए थे कि भोपाल दिल्ली के बीच इतनी ज्यादा हिंसा बढ़ चुकी है। हालांकि अच्छी बात तो यह है कि इस पथराव के बीच किसी भी यात्री को चोट नहीं आई है। पीएम मोदी ने ट्रेन को 1 अप्रैल को भोपाल के कमलापति स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर नई दिल्ली के लिए रवाना किया था और उसके बाद से ये सब होने लग गया। जानकारी के मुताबिक इन टूटी खिड़कियों में से 16 खिड़कियों को भोपाल में ही रिपेयर कर दिया गया है, बदल दिया गया है, मगर अभी भी ट्रेन में 14 विंडो ऐसी है जिन पर पथराव की वजह से मेजर डैमेज हुए हैं, बड़े बड़े क्रैक्स आ चुके हैं और रेलवे ने अभी तक इसे बदले नहीं है, चिकट पट्टी लगा दी है टेम्पररीली। देन उसके बाद यात्रियों को इस टूटी खिड़कियों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नई ट्रेन में टूटी विंडो देखकर उन्हें बहुत ज्यादा हैरानी हुई। ट्रेन में चलने वाले स्टाफ का भी कहना था कि रास्ते में ट्रेन पर शरारती लोग पत्थर मारते रहते हैं और ये जो इंसिडेंट है आगरा टू दिल्ली के बीच में बहुत ज्यादा हो रहा है। तकरीबन 90% से ज्यादा घटनाएं दिल्ली से आगरा के बीच में ही हो रही है, फिर 10% घटनाएं ग्वालियर में हो रही है और ये अब काफी ज्यादा सीरियस बात है। अभी तक 16 विंडो को बदला जा चुका है लेकिन 14 विंडोज अभी भी यहाँ पर रिप्लेसमेंट के स्टेज में है। तो वही दूसरी तरफ अब आगरा में भी लोगों को पकड़ा नहीं गया है जो इस तरह के पथराव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर ये पकड़ में आ गए इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ये खुद प्रशासन ने यहाँ पर बताया। सो काफी शॉकिंग बात है कि एक तरफ भारत में इतनी हाईटेक सीसीटीवी से लैस वाईफाई, एक ऐसी ट्रेन जो पिकअप के मामले में बुलेट ट्रेन, जापान की बुलेट ट्रेन को तक बीट करती थी विद जस्ट 52 सेकंड में 100 केएमपीएच की स्पीड पकड़ती है, उस ट्रेन के साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है हमारे ही देश में, काफी चिंता का विषय है। खैर इसके बारे में आपकी क्या राय है अपनी डेफिनेटली कमेंट्स में बताइएगा।